अभी अभी एक बड़ी खबर सामने निकल कर आई है। कांग्रेस का अंतरिम अध्यक्ष बनने के बाद आज पहली बार सोनिया गांधी ने मोदी सरकार पर बड़ी बात कह दी है। आपको बता दें कि कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी की अगुवाई में पार्टी महासचिवों, प्रदेश अध्यक्षों, पार्टी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों एवं कई अन्य वरिष्ठ नेताओं की बैठक हुई है। इस बैठक में सोनिया गांधी ने देश में गंभीर आर्थिक स्थिति पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि लोकतंत्र खतरे में है और 2019 के जनादेश का खतरनाक तरीके से गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। सोनिया गांधी ने आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार राजनीतिक बदले के लिए नेताओं के झूठे आरोपों में फंसा रही है। उन्होंने कहा कि यह सब देश की खराब आर्थिक हालात से ध्यान हटाने के लिए किया जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक आपको बता दें कि सोनिया गांधी ने पार्टी मुख्यालय में एक बैठक में कांग्रेस नेताओं को संबोधित करते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी सरकार कांग्रेस के संकल्प और लचीलापन का परीक्षण कर रही थी, जिससे अब भाजपा को उजागर करने के लिए जनता तक पहुंचने के लिए एक आंदोलनकारी एजेंडे पर चलने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि हमारे संकल्प और संयम की परीक्षा ली जा रही है। आपको बता दें कि इस बैठक में कांग्रेस के महासचिव, राज्यों के प्रभारी और कांग्रेस विधायक दल के नेता और सभी राज्यों के कांग्रेस प्रदेश अध्यक्षों के राष्ट्रीय राजधानी में पार्टी मुख्यालय में बैठक के लिए बुलाया गया था। कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभालने के बाद सोनिया गांधी की अध्यक्षता में पहली बैठक थी। हालांकि इस बैठक में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी शामिल नहीं हुए थे, लेकिन राहुल गांधी ने कुछ देर पहले ही एक ट्वीट किया था जिसमें उन्होंने एक अंग्रेजी दैनिक में छपे पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के साक्षात्कार का हवाला देते हुए कहा कि पहले सरकार को स्वीकार करना चाहिए कि अर्थव्यवस्था को लेकर समस्या है। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा कि इस समय दुष्प्रचार, मनगढ़ंत खबरें और युवाओं के बारे में मूर्खतापूर्ण बातें करने की जरूरत नहीं है, बल्कि भारत को एक ठोस नीति की जरूरत है ताकि अर्थव्यवस्था की स्थिति को सुधारा जा सके। राहुल गांधी ने कहा कि पहले स्वीकार करिए कि हमारे सामने समस्या है। उन्होंने कहा कि स्वीकार करना ही अच्छी शुरुआत होगी। आपको बता दें कि राहुल गांधी ने मनमोहन सिंह के जिस साक्षात्कार का हवाला दिया उसमें पूर्व प्रधानमंत्री ने कहा है कि नोटबंदी और गलत ढंग से जीएसटी लागू करने के कारण अर्थव्यवस्था की स्थिति खराब हुई है। इस विषय पर हमने एक वीडियो बनाया था जिसे आपने देखा होगा। अगर नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक कर पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह द्वारा कही गई बातों को इस वीडियो में जान सकते हैं।